आप देख रहे हैं चकाचक एक्सप्रेस और मैं हूं वर्षा श्रीवास्तव। आज हम बात कर रहे हैं केरल सरकार द्वारा मुस्लिम समुदाय को दिए जाने वाली विशेष सुविधाओं के बारे में, जो न केवल पक्षपाती है बल्कि असंवैधानिक भी है। अभी कुछ समय पहले ही 29 मई को केरल हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसले में केरल सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया था, जिसके अनुसार राज्य में मुस्लिम छात्रों को 80% और अल्पसंख्यक ईसाई छात्रों को 20% छात्रवृत्ति दी जा रही थी। इस मुद्दे पर दर्ज याचिका के बाद जस्टिस शाजी पी चाली और चीफ जस्टिस मणि कुमार की खंडपीठ ने राज्य सरकार को अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों को समान रूप से योग्यता सह साधन छात्रवृत्ति प्रदान करने का निर्देश दिया था। अब इसी तरह की एक और जनहित याचिका दर्ज हुई है, जिसके जरिए याचिकाकर्ता ने केरल की वामपंथी सरकार से पूछा है कि वह मजहबी गतिविधियों के लिए सरकारी खजाने का उपयोग क्यों कर रही है। दरअसल ये मामला मदरसों के शिक्षकों को पेंशन और अन्य वित्तीय लाभ देने वाली सरकारी योजना को लेकर है। इस याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य में मदरसा शिक्षकों को पेंशन देने को लेकर सुनवाई के दौरान केरल की पिनाराई सरकार से ये बात साफ करने को कहा है कि क्या उसने मदरसा शिक्षक कल्याण कोष में कोई योगदान दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने केरल सरकार से बहुत सख्त सवाल पूछे हैं और कहा है कि इस तरह की चीजों के लिए भारी मात्रा में सरकारी धन खर्च करना असंवैधानिक है और संविधान में निहित धर्मनिरपेक्ष के सिद्धांतों के खिलाफ है। ये जनहित याचिका लोकतंत्र, समानता, शांति और धर्मनिरपेक्षता के लिए बने नागरिक संगठन के सचिव मनोज द्वारा केरल हाईकोर्ट में दायर की गई थी। इस याचिका में केरल मदरसा शिक्षण कल्याण कोष अधिनियम 2019 को रद्द करने की मांग की गई है, जिसके तहत केरल में मदरसों के शिक्षकों को पेंशन दी जाती है। इस मुद्दे को लेकर मनोज के वकील सी राजेंद्रन ने कोर्ट में कहा है कि अधिनियम को पढ़ने से ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये मदरसे केवल कुरान और इस्लाम से संबंधित कट्टर मजहबी शिक्षा से जुड़े पाठ्यक्रम के बारे में ही ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केरल के मदरसे विशुद्ध रूप से एक मजहबी गतिविधि में शामिल है, तो हमारा यही सवाल है कि एक मजहबी गतिविधि के लिए राज्य सरकार द्वारा धन खर्च करने का क्या मतलब है। क्या केरल सरकार द्वारा मदरसों के ऊपर पैसा खर्च करने की अनुमति देने वाला यह अधिनियम रद्द कर देना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय बताएं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें।